अच्छे शूज़ पहन के आना भाई, माउंटेन थोड़े रॉकी हैं, हाईली रिकमेंड है, मत यहाँ पे रुकना। वो देख रहे हो पीछे कितना बड़ा ताल है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। आज 20th November है और सैटरडे संडे दो दिन का टाइम है मेरे पास। दो डेस्टिनेशन मैं कवर करने वाला हूँ। पहला टाइटल आपने देख ही लिया होगा, करोल टिब्बा, दूसरा चूरधार ट्रैक। यहाँ से जाते वक्त दोनों मेरे रास्ते में ही पड़ेंगे। एक चंबा घाट पड़ता है, दूसरा नौरधार, नौरधारा या नौरधार ऐसा है, नौहरधार कुछ ऐसा नाम है। तो ये दोनों ट्रैक मैं कवर करने वाला हूँ दो दिन में। कोशिश करना है, एक दिन मैं स्टे भी करूँगा चूरधार का। तो अभी ये व्लॉग है करोल टिब्बा ट्रैक का। यहाँ से चंबा घाट जाना है, आई थिंक 44 किलोमीटर है, एक डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा। बस मैं रेडी हो चुका हूँ। ये -10 की जैकेट मैंने पहनी हुई है प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि मैं नाइट स्टे करने वाला हूँ, चूरधार में करूँगा और रात को 1-2 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और मैं अपनी प्रिपरेशन बता देता हूँ कि क्या क्या कर रहा हूँ। दूसरा है ये रही कुछ खाने पीने की चीज़ें, स्पीकर, और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट बैग है, किसी दिन बताऊंगा इसमें क्या है। बिस्किट, नमकीन वगैरह सब ले लिया है। ये मैं ले करके जाने वाला हूँ ब्लैंकेट। अभी ये इतना बड़ा ब्लैंकेट है, उसको एक छोटे से पाउच में कवर करने कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो गया, प्लस ये रहा मेरा बैग। ये पंप बहुत ज़रूरी है, बताता हूँ मैं क्यों। ये रहा मेरा टेंट और ये है मैट। तो लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि ऐसा ना हो, मेरा जो जर्नी है वो बहुत ही सेफ हो। बट फिर भी गाड़ी वगैरह कहीं पे पंचर हो गई, मेरी नहीं तो किसी और की, और मेरे पास ये और पंचर का किट है, पंचर किट, तो उसकी हेल्प से मैं हो सकता है किसी की हेल्प कर दूं, या फिर अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी भी हेल्प कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं लेकर के चलता हूं। हाँ, अपनी स्कूटी से ही जा रहा हूं मैं। तो अभी चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं और फिर मैं आगे मिलता हूं आपसे। तो गाइस, अभी शोगी क्रॉस किया है और रास्ते में जाते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखा, तो सोचा आपको दिखाते हुए चलूं, क्योंकि लिटरली ये इतना अमेजिंग है ना, आप खुद देखो, मैं बता नहीं सकता। तो था ना ऑसम व्यू। अब इसी व्यू पे यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, जो भी लोग देख रहे हैं वो करते जाओ, ठीक है। सब फ्री है, सारी चीज़ें आपको फ्री में दिखा रहा हूँ और ये सब करने का कोई चार्जेस भी नहीं होगा। तो जब आप लोग शिमला से आओगे
और जैसे ही आप सोलन पहुंचोगे ना, तो सोलन एक रेलवे क्रॉसिंग आएगी। रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद आप वहाँ पे देखोगे तो आपके राइट साइड में फ्रूट्स की शॉप होंगी। किसी से भी पूछ लेना कि करोल टिब्बा का ट्रैक कहाँ से जाता है, उसके ठीक बगल से एक रास्ता जाता है और राइट साइड में, वहाँ से फिर आपको सीधे सीधे आना है। फिर वहाँ पे किसी से आप पूछ लेना, रास्ता बिल्कुल सीधा है, आपको हमेशा राइट वाला ही रोड लेना है, ठीक है? जो भी आप रोड लोगे वो हमेशा राइट वाला ही लोगे, और वो लेते हुए आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये रहा पूरा, ये है पूरा हेलीपैड, और अभी बस मैं हेलीपैड पे ही हूँ और थोड़ा सा व्यू वगैरह है तो व्यू देख रहा था और सोचा थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ। तो काफ़ी अमेजिंग सा है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यार, टॉर्नेडो जैसा बन रहा है कुछ। ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका ऊपर जाएगा एक गांव में। तो जो अभी रास्ता दिखाया आपको, वो आपके वो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, जिराश विलेज पड़ता है। तो जिराश विलेज में आपकी गाड़ी लाइक ऊपर तक जा सकती है और वहाँ पे आप खड़ी कर देना गाड़ी। वहाँ पे खड़ी करने के बाद फिर पूरा ट्रैक है, आई थिंक 6-7 किलोमीटर का, तो वो ट्रैक करके ऊपर पांडव गुफा और करोल टिब्बा तक जाएगा। तो चलते हैं अब अपना लाइक गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं, फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे, जो भी लोग चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर से, उनको सोलन से लेफ़्ट टर्न लेना है। नेविगेशन भी लगा के रखना आप, बट मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। फ्रूट की शॉप होगी, वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे जिराश विलेज के लिए, वहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। और जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, वो कालका तक उनकी लास्ट ट्रेन होगी। कालका से फिर सोलन के लिए टॉय ट्रेन मिलेगी, उसका 65 या कुछ अमाउंट होगा जनरल का। बाकी और डिफरेंट कोच हैं, तो वो आप एक बार वहाँ पे टिकट काउंटर पे पता कर लेना। वहाँ से कालका से सोलन तक आएंगे, सोलन से किसी से भी आप पूछ लेना। आपके लिए बस प्रॉब्लम इतना है कि मेरे टाइम पे मैंने टैक्सी या फिर ऑटो नहीं देखा था चलते हुए उस पॉइंट तक, जिराश विलेज तक। तो हो सकता है कि आपको पूरा जिराश विलेज तक पैदल ही जाना हो हाइक करते हुए, तो ये चीज़ आप एक बार वहाँ पे किसी से कंफर्म कर लेना। भाई ये जिराश गांव है, करोल टिब्बा का ट्रैक कहाँ से जो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है? हाँ लिखा हुआ है वहाँ पे। गाड़ी कहाँ खड़ी कर सकते हैं, पैदल ही जाएगा या गाड़ी जाती है? हाँ तो गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। अच्छा ठीक, भाई धूप से बचने के लिए अपना हैट लगा लिया है, ये खड़ी कर दी है गाड़ी। और जब आप जो मैंने गांव बताया था ना, जिराश गांव के लिए आप जाओगे, तो चलते चलते आपको एक ऐसा व्यू मिलेगा, ठीक है? एकदम से आप चढ़ोगे तो आपको सामने वाली हिल्स दिखेंगी, उसके ठीक साइड से ही रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है? ये एक पेड़ आप देख लो, चुनरी लगी हुई है। तो बस अभी रेडी हो गया हूँ, अपना ये इम्पोर्टेंट बैग और पीछे पूरा बैग रेडी कर लिया है। गाड़ी का लॉक वगैरह बंद कर लिया, एक बार चेक कर लूँ। बड़ा मेहनत का काम है भाई व्लॉगिंग करना, ट्रैवल करना तो चलो ठीक है, बट ट्रैवल के साथ साथ व्लॉगिंग करना बड़ा मेहनत का काम है।
अभी भी ऐसा कोई है जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो भाई, क्योंकि ऐसे ही ऑफ बीट ट्रैक्स में लाने वाला हूँ बैक टू बैक। तो बस अभी अपना ट्रैक स्टार्ट हो गया। अच्छा शूज़ पहन के आना भाई, माउंटेन थोड़े रॉकी हैं, विजिबल है ट्रेल्स, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ट्रेल आपको नहीं मिलेगी, बट शूज़ अच्छे होने चाहिए। तो भाई जब आप जाओगे ना करोल टिब्बा के लिए, तो आपके राइट साइड से एक लाइक दो ट्रेल पड़ेंगी, एक तो मेन वो उस ट्रेल पे जा रहा है करोल टिब्बा वाले ट्रेल पे, एक राइट साइड से बहुत ही लाइट सा ट्रेल कटा हुआ है, तो हल्का सा आपको वो लाइक वो ट्रेल दिखेगा, बट आप उसको फॉलो करना। फॉलो करके जब आप आओगे तो आपको ये मिलेगा, देखो छोटे छोटे से मेडो बने हुए हैं ऐसे हिल से, और बिल्कुल घास वगैरह सब है अच्छी खासी। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो कैंपिंग लवर है तो भाई मैं तो उसको रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पे कैंप करे। देखता हूँ यहाँ पे शायद पता नहीं मिट्टी है या शिट है, पता नहीं, शिट होगी तो इसका मतलब कोई एनिमल वगैरह आते होंगे, मूँगफली के छिलके वगैरह पड़े, तो यहाँ पर लोग आके इन्जॉय कर चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपको कैंपिंग के लिए, तो आप कैंपिंग कर सकते हो यहाँ पे। सारे गियर्स मैं ले कर आया हूँ, देखता हूँ यार शायद हो सकता है करूँ। बगल में ही पीछे मेरे एप्पल के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, और वो पीछे नीचे की तरफ एक घर भी है, तो घर से काफ़ी क्लोज है, बहुत सेफ है, मैं तो यही बोलूँगा कि सेफ है। यहाँ पे देखता हूँ शायद गोबर वगैरह पड़ी हुई है, इसे पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे भी। हाँ ठीक है, शायद हाँ गोबर पड़ी हुई है, ये देखो आप दिख रहा होगा शायद ब्लैक ब्लैक, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे एनिमल्स वगैरह आते हैं लाइक जो भी होगा भेड़ वेड़ टाइप। तो बस अभी चलते हैं आगे मंदिर की तरफ, वापस लौटते टाइम देखेंगे अगर हुआ तो कैंपिंग करूँगा यहाँ पे। ट्रेल लेते हुए जब आप आओगे तो फिर आगे वही चीज़ सेम प्रॉब्लम हो रही है जैसे तारा देवी में हुआ था, दो ट्रेल मिलेंगी, राइट साइड वाली नहीं लेनी है, ये देखो आप बंद किया हुआ है राइट साइड वाली को कांटे लगा के, पता नहीं ये कहाँ जाता होगा, तो अब हम लेफ़्ट वाली लेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं लेफ़्ट वाली ट्रेल लूँगा। पीछे वो एक ऐसा छोटा सा मेडो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से जब आप आओगे आप सीधे चलते हुए आओगे, लेफ़्ट साइड में आपके डस्टबिन दिखेगी, ठीक है, यहाँ से फिर ये लेफ़्ट वाला ट्रेल लेना है। मैं उधर चला गया था राइट वाली ट्रेल पे, अब चलते हैं देखते हैं। बट एक चीज़ ये नहीं समझ में आई, जब ये ट्रेल बंद ही करना था तो इसको स्टार्टिंग में ही बंद कर देना था ताकि मेरी मेहनत थोड़ी बचती।
यार धूप ना पूरा काम खराब कर दिया है। एक तो इतना स्टीप चढ़ाई है, ऊपर से धूप, बहुत टायरिंग हो रहा है। वो नीचे देख रहे हो आप, ये काट के इकट्ठा किया हुआ है, इसको इकट्ठा किया है। अभी ये और अच्छे से सूख जाएगा, नीचे का जो थोड़ा हरा हरा पार्ट है वो भी जब अच्छे से सूख जाएगा फिर इसको ये लाइक सेल करते हैं। इसका अच्छा खासा बिजनेस है पूरे हिमाचल में, जिनके पास गाय भैंस या फिर कोई भी ऐसा जानवर है तो ये उनके खाने के लिए चारे का काम करता है। आई नो कि ये ट्रैक से थोड़ा सा हट के है, बट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बस आपके नॉलेज गेन के लिए। चलते हैं यार। तो ये चलते चलते एक और मेडो मिला है मेरे राइट साइड में पड़ा, वो पीछे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, बट मैं यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक नीचे बहुत ही डेंस जंगल है, भयानक। ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, नीचे और डेंस है, मतलब इतना डेंस है कि जंगल के अंदर धूप तक नहीं जा रही है, समझ रहे हो आप। तो भाई हाईली रिकमेंड है मत यहाँ पे रुकना। वो देख रहे हो पीछे, इतना बड़ा ताल है, तो अगर कहीं पे पानी है तो इसका मतलब समझ सकते हो आप कि भाई जानवर इसको पीने के लिए ज़रूर आते होंगे। और अभी आपको नहीं दिख रहे, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे होंगे नहीं, बिल्कुल होंगे, बट अभी आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग में पी करके वो चले गए होंगे। कितनी ढेर सारी शिट पड़ी हुई है, ये देखो आप, इधर भी है उधर भी है, चारों तरफ है, चारों तरफ है। तो मत आना यहाँ पे स्टे मत करना रात में, आपके कॉल है भाई, आपको लगता है कि आप स्टे कर सकते हो तो आप करना, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं भी नीचे ही रुकूँगा अगर रुकना हुआ तो। अभी कुछ लोकल लोग मिले थे तो उनसे मैं पूछ रहा था यहाँ पे, तो कह रहे थे कि शेर वेर या फिर इस टाइप के चीज़ें निकल सकती हैं, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बताया था ना आपको डेंस जंगल है। तो वो भी डर डर के बेचारे मैगी बना रहे थे, कह रहे थे हम थोड़ी देर के लिए शाम तक हैं, मैगी बना रहे हैं और फिर उसके बाद जब बन जाएगा तो अपना निकल जाएंगे। मैं उनको व्लॉग में नहीं ले पाया, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, वापस जाऊँगा अगर वो लोग मिलेंगे तो उनको व्लॉग में लूँगा।